लोग कहते हैं कि ये भारत की कला है, पश्चिम की कला अलग होती है और वो प्रभावशाली है, और इससे भारत की कला जो है, कई लोग ऐसे सोचते थे 100 साल पहले, ये भारत की कला ही नहीं है, भारत में कला नहीं है, क्राफ्ट्समैन है, कला नहीं है। तो जब हम देखेंगे, जैसे आज साहू जी ने प्रतिमाएं बनाई हैं, मैं तो बिल्कुल दंग हो गया। इसलिए दंग हो गया कि देखिए, कोई प्रतिमा आप भगवान की जब देखते हैं ना, तो भगवान जो है आपसे बोलते हैं ऐसा लगता है। ये कहीं जहाँ कलाकृतियाँ देखी जाती हैं, वहाँ कलाकृतियाँ जब बोलती है एक दूसरे से, और जो बोलती है वो विषय के बारे में बोलती नहीं है, वो आध्यात्मिक शांति के बारे में बोलती है। जब भगवान यहाँ के जब जितने भी दृश्य दिखाए हैं भगवान के, वो किस लिए दिखाए हैं कि भगवान भी ऐसे ही संतप्त थे कि ऐहिक जीवन क्या है और उससे क्या मिलने वाला है। उन्होंने 3 चीज़ें देखी, एक जो है बीमार आदमी देखा, एक मरा हुआ आदमी देखा और सन्यासी देखा। सन्यासी के मुख पर जो आनंद और शांति थी, उसके लिए अपना घर बार छोड़ दिया। ये सब कथा जो है इसमें से देखी है, और ये संदेश जो है साहू जी ने जितने इफेक्टिवली सब लोगों को दिखाया है, इसका कारण है कि जो अजंता और एलोरा में जो कलाकार थे, उनके ये वंशज है, उनकी धरोहर वो जपने वाले हैं। और इसलिए आज यहाँ आने में, और अमृता जी भी वैसे ही सोचती होंगी कि यहाँ आने में जो आनंद आया, वो आनंद जो है बांटने के लिए हम आए हैं। और ये जो आनंद है, ये जो आनंद की स्फूर्ति की जो सरोवर है, वो ऐसे ही चलती रहे। इन्होंने ऐसे अपने शिष्य ऐसे तैयार किए होंगे और करेंगे भी कि ये जो कला है वो अमर जैसी चलती रहेगी। इसी के लिए हम आए हैं।